हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मालदीव सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि पीएम मोदी भारत ऐसे सारे प्रोटोकॉल तोड़ देगा। अच्छा, ऐसे सारे प्रोटोकॉल तोड़ देगा, पूरी दुनिया हैरान। क्या किया रे हमने? छोड़ो, देखिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, पर ये आया क्यों है? मेरे पैसा देने के लिए, पैसा दे दिया इंडिया ने। हाय 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 हाय, चलो देखते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि अगर मालदीव की सरकार की ये हालत है तो इससे अच्छा है कि मालदीव भारत में ही शामिल हो जाए। भारत सरकार की एक आध दिन की टैक्स कलेक्शन में मालदीव की पूरी जीडीपी से ज्यादा होगी। फ्री अकड़ किस बात की? दरअसल न्यूज ही कुछ ऐसी आ रही है जिसे पता चलता है कि मालदीव की सरकार की क्या हैसियत है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू पिछले कल 5 दिन की भारत यात्रा के ऊपर पहुंचे थे। उनके साथ उनकी वाइफ बड़ा डेलीगेशन भारत आया है। पिछले कल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ उन्होंने एक बायलेटरल मीटिंग की, एंड आज प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट और बाकी लीडर्स के साथ वो बायलेटरल मीटिंग्स करेंगे। आपको पता होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास एक पर्सनल प्लेन होता है जिसको एयर इंडिया वन कहा जाता है। सेम तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस प्लेन से ट्रेवल करते हैं उसको एयरफोर्स वन कहा जाता है। और याद रखो, एयरफोर्स वन एयर इंडिया वन, मैं बड़ी भूल जाती हूं। विदेशी यात्रा के लिए एक स्पेशल प्लेन होता है। याद रखना, मैं भूल जाती हूं। नहीं होते हैं वो, एक छोटा सा जेट परचेज कर लेते हैं। भारत के केस में तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर भी जब फॉरेन ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल जेट अलॉट होता है। लेकिन मालदीव की सरकार के पास ये लग्जरी नहीं है। सिंगापुर छोटा सा देश है जहाँ की आर्थिक स्थिति भी इस समय बेहद खराब चल रही है। फिर मालदीव के प्रेसिडेंट के लिए एक स्पेशल प्राइवेट जेट या फिर स्पेशल प्लेन अफोर्ड कर पाना ये तो मुश्किल बात है। इसलिए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू जब भी विदेशी कंट्रीज की विजिट के ऊपर जाते हैं तो वो कमर्शियल एयरलाइंस की फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो अपनी पहली विदेशी यात्रा के तौर पर टर्की गए थे तब भी उन्होंने एमिरेट्स की फ्लाइट से ट्रेवल किया था। तो पूरी बुक की थी, मतलब पड़ोसियों का हम खास ख्याल रखते हैं। ऐसे में जब मोदी सरकार को पता चला कि मालदीव का प्रेसिडेंट एक कमर्शियल फ्लाइट से भारत आ रहा है, मोदी सरकार ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए मालदीव के प्रेसिडेंट के लिए एक स्पेशल जेस्चर दिखाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि मालदीव के प्रेसिडेंट को राजधानी न्यू दिल्ली तक लाने के लिए भारत की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के एक स्पेशल प्लेन को मालदीव भेजा था। अच्छा। ये प्लेन एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन से पहले इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया था और इसका इस्तेमाल इस समय इंडियन एयरफोर्स VVIPs और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के ट्रेवल के लिए करती है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल प्लेन भारत से मालदीव किया, वहाँ से मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू, उनकी वाइफ और मालदीव के कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मीडिया पर्सन और सरकार के बाकी डेलीगेशन को पिक करके सबको एक साथ भारत लाया। मालदीव के लिए मसला ये था कि मालदीव के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन भारत की यात्रा पर आया है। अच्छा। मालदीव के विदेश मंत्री, खर्चा करेंगे, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सारी दुनिया उठ के आ गई है। इकोनॉमिक मिनिस्टर, उसके बाद रहने के लिए आ गई, टूरिज्म मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पागल है क्या मिनिस्टर, यहाँ तक कि मालदीव के मॉन्ट्रियल बहुत ऑफर दिया था। अभी लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। इनके साथ इनके पर्सनल स्टाफ या फिर फैमिली मेंबर्स को भी हम काउंट कर रहे हैं। इंडिया ने इनको कर दिया। अच्छा, बताना मुझे बाद में वीडियो के बाद। इसका मतलब ये थोड़ा था कि पूरी की पूरी मालदीव की सरकार ही फ्री में भारत की यात्रा। वही तो मैं कह रही हूँ। और यहाँ पर भारत सरकार ने कौन सा एक एक मिनिस्टर को शगुन देना था? अगर ये सारे मिनिस्टर्स भारत आ गए हैं तो इसका मतलब है कि पीछे मालदीव की ओपोजिशन पार्टीज ही बची हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या स्पेशल प्लेन भेजकर मोदी सरकार ने सही किया, गेम किया हमने, खेला किया लगता है, पैसा दे दिया? वैसे जो भी हो, मालदीव के साथ हमारा एक बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था, उसको पीछे छोड़कर भारत सरकार ने मालदीव के लिए सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए जेस्चर दिखाया है। आई होप कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू इसका थोड़ा बहुत सम्मान रखे और चाइना की गोद में जाकर दोबारा से न बैठ जाए। भारत सरकार अब मालदीव को क्या क्या मदद देती है, मालदीव के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस होते हैं, हम वो भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ये कुछ पैसा वैसा लेने आए थे, बताओ क्या दिया हमने? नहीं, हुआ था कि मालदीव का फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम हो रहे हैं। उन्होंने चाइना से बात की थी कि हमें चाहिए फॉरेन रिजर्व्स के लिए कुछ पैसा दीजिए, तो चाइना ने ये कहा कि आपने ऑलरेडी हमें इतना सारा डेट जो देना है उसके लिए एक्सटेंशन दे देते हैं 5 साल का। अच्छा, ये हेल्प की, मतलब आपको ऑलरेडी इतना हमें देना है, आप और मांग रहे हो तो वापस जो देना है उसको 5 साल और रख लो और कोई चिंता नहीं है, धीरे धीरे और नहीं देंगे, और मगर हम और नहीं दे सकते बिकॉज यू ऑलरेडी नीड टू गिव बहुत सारा पैसा बैक। फिर इंडिया ने कहा दैट्स फाइन, जो तुम्हें चाहिए वी विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड, और हमारे रिलेशनशिप होने बहुत ज़रूरी हैं अच्छे क्योंकि हम सदियों से तुम्हारे साथ हैं,
और मालदीव्स को भी समझ आ गया था कि इंडिया के बिना उनका जीना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड करते हैं इंडिया से, बहुत चीज़ें होती है और जगह से करते हैं, महंगा पड़ता है। इवेंचुअली दे केम टू द सेंसेस कि इंडिया इज़ द वेरी गुड कंट्री जो हेल्प करती है। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो उनके फॉरेन रिजर्व्स को भी बूस्ट कर रहा है, उनको क्रेडिट लाइंस दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है दिखाने के लिए कि वी कैन हेल्प यू मोर देन चाइना, मजबूरी है। और नहीं तो चाइना इसके के बाद अब उसके बाद है कि मुइजो भी लग रहा है कि इंडिया का फ्रेंड बन गया है, उसको ये लग रहा है कि इंडिया के बिना हम जी नहीं सकते, दैट्स फाइन, इंडिया ने हमारी हेल्प की है, तो ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप अच्छे होंगे। उससे पहले उन्होंने वो तीन अपने मिनिस्टर्स को ऑलरेडी फायर कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था, वो जिन लोगों ने जो मोदी जी को बुरी बातें कही थी उनको उन्होंने निकाल दिया है। निकालने के बाद फिर ये सब हुआ है, तो अब जो लग रहा है सिचुएशन लग रहा है कि अच्छी हो गई है। पता नहीं, मेरा दिल इंडिया को इन अ वे खरीदना पड़ा, आप कह सकते हैं मालदीव्स को ये सब हेल्प करनी पड़ी मॉनेटरी टू गेट इट बैक इन लाइन। पता क्या, मैं देखो मेरे को मतलब चलो किया है पर मेरे को खुशी नहीं हो रही कि अगर ये, क्योंकि लालची इसमें उनका लालच दिख रहा है, तो वो जो लालची ऐसे देश लोगों की सोच इससे चेंज नहीं होने वाली, कुछ चेंज नहीं होने वाला। जैसे इंसान होते हैं ना, लालची इंसान होते हैं, वो लालच के लिए तुम्हारे साथ आ जाएंगे और बाद में तुम्ही को कोई और तुम उनको पैसा देगा, ऐसे लालची है तुम्हारे को मार के आगे चले जाएंगे, उसके पीछे चले जाएंगे। तो मालदीव्स आई होप नॉट, पर मेरे को तो फीलिंग यही होती है कि ये अब सुनकर कि पैसा मिला तो कैसे भागे आए हैं, बहुत ही, ये तो नॉट अ ट्रस्टवर्दी कंट्री। जब उनका कोई ऑप्शन नहीं बना, चाइना ने मना कर दिया, तो इन्होंने बोला वी विल हेल्प यू। और पहले चाइना के चमचे बने हुए थे, इंडिया के साथ बदतमीजियां कर रहे थे, सोच के कि चाइना के साथ हमारी बड़ी हो जाएगी, बड़ा चाइना हेल्प करेगा। जब वहां से चाइना ने इनको नहीं दिया तो ये अब चाइना आए यहाँ पर। चाइना जो है वो प्योर बिजनेसमैन, वो तो है, मैं तो है भैया, हमने भी, उसने ये था कि इतना सारा पैसा जो है तुमने हमें देना है, अभी और मांग रहे हो तो ज्यादा रिस्क हो जाएगा, तुम वो रखो धीरे धीरे रिटर्न करो। और उनको ये था कि अब पैसा जो इंडिया से भी मांगो जिससे इंडिया का पैसा भी जाए, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं मालदीव वापस दे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका तो मेरा पैसा फंसा हुआ है, इंडिया का पैसा भी फंसाता हूँ, तो दैट्स हाउ दे थिंक। नहीं, पर चाइना जो है वो बड़ा वो कनिंगली सोचता है, वो पूरा बिजनेसमैन की तरह सोचता है, उसको पता है कि अगर ये नहीं देंगे बल्कि मुझे फायदा होगा, मैं कुछ ऐसी डील कर सकता हूँ, इनका कोई लैंड ले लूंगा, इनका कोई पोर्ट ले लूंगा, इनका कुछ ले लूंगा। मुझे यही डर लगा रहता है कि हम जो है ना, भारत जो है वो उस टाइप का बिजनेसमैन नहीं है, तो अगर हम भी इनको कुछ दे रहे हैं तो बदले में कुछ बड़ी चीज लेनी चाहिए भाई, कुछ ना कुछ करो ताकि कल को गद्दारी मिले तो झटका ना लगे। मैं कहूँ कि चलो इसने गद्दारी किया पर मेरे पास ये तो है, नहीं अच्छा काम किया, अपना प्लेन भेज दिया, हाँ किया तो मैं तो वो तो ग्रेटनेस ऑफ कंट्री, उस बंदे को अपना फील हो जाएगा कि इंडिया ज्यादा अच्छा करता है। कई लोग बता रही हूँ मैं, लोगों को आप आजकल के जमाने में कलयुग है, लोग नहीं सुधरते, जो गंदा होता है वो गंदा ही रहता है। पर मैं, इंडिया ने तो बहुत ही प्यारा जेस्चर था कि खास भेजा, उसके बाद वापस उसको लेके आए, वो तो पूरी पलटन की पलटन ही सारी आ गई है। मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं, सारे के सारे मतलब फ्री का खाना खाने आ गए हैं क्या? चले घूम लेंगे, कोई घूम लेंगे, चलो कोई नहीं, लेट्स, पर एटलीस्ट जो भी है फॉर द टाइम बींग अब यहाँ तो आया है। पर हमें अपना जो है ना याद रखना है कि हमें मालदीव्स को टूरिज्म देने की जगह अपनी बनाने आइलैंड्स, जैसे मोदी जी ने कहा था, और उनको टॉप का करना है। होप इसकी वजह से वहाँ काम ना ढीला पड़ जाए। पर कमाल है यार, कैसे लोग देश लोगों को बदलते हुए देखते हैं, देश भी बदलते हैं, ये भी देख लो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।